नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, बड़ी अच्छी शानदार और खुशखबरी आ रही है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। भारत सरकार की PSU कंपनी है, परमानेंट वैकेंसी निकालेगी है। IT डिप्लोमा और डिग्री के ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी भी काफ़ी शानदार है, 900 से ज़्यादा वैकेंसी रखी गई है। इतनी बड़ी वैकेंसी काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में ONGC के अंदर आई है। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको समझनी है। समझने के बाद में ही आपको आवेदन करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाओगे, वरना फिर से आप नीचे कमेंट करते रहोगे। चीज़ें सारी अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं तकनीकी भर्तियों से संबंधित अपडेट देता रहता हूँ और तकनीकी भर्तियों से संबंधित जो गाइडेंस होता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्मेट 7 मई से स्टार्ट हो गए, 28 मई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। भारत सरकार की PSU कंपनियाँ परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है। अभी अलग अलग यहाँ पे इनकी जो वर्किंग यूनिट्स है ना, उनके लिए अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। तो जिस भी वर्किंग यूनिट के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर आप आवेदन कर रहे हो, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो, वहाँ के मूल निवासी हो, तभी आप उसके अंदर आवेदन करना। किसी अदर स्टेट का बच्चा किसी अदर स्टेट की वैकेंसी के अंदर आवेदन नहीं कर सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। पहली जो आपकी वैकेंसी आ रही है, देहरादून उत्तराखंड वर्किंग यूनिट की तरफ से वैकेंसी आ रही है, तो इसके अंदर उत्तराखंड वाले बच्चे हैं वही आवेदन कर पाएंगे। देखिए, वैकेंसी के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के लिए यहां पे एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पे एक वैकेंसी है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पे एक वैकेंसी है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसी है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर फायरमैन के लिए 2 वैकेंसी है। उत्तराखंड के लिए टोटल में जाकर के यहाँ पे 20 वैकेंसी रखी गई है। अगली जो आपकी वैकेंसी आ रही है, दिल्ली के लिए वैकेंसी आ रही, तो इसके अंदर देखिए जूनियर डीलिंग असिस्टेंट की 8 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसी है, दिल्ली के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी आ रही है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए वैकेंसी आ रही है, मुंबई आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहां पे 1 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक ठाक 12 वैकेंसी थी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, 44 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 47 वैकेंसी है, और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए जबरदस्त वैकेंसी है, 50 वैकेंसी रखी गई है। ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी रखी गई है, सिविल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी है, रेडियो असिस्टेंट के लिए 21 वैकेंसी है, बॉयलर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट बॉयलर के लिए 9 वैकेंसी है, और फायर सुपरवाइजर के लिए 11 वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 5 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट P&A के लिए 1 वैकेंसी है, अकाउंट्स के लिए 1 वैकेंसी है। इसी हिसाब से आगे देखिए, यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन वाली वैकेंसी IT वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के 13 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर मोटर मैकेनिक ड्राइवर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 263 वैकेंसी है। अगली जो आपकी वैकेंसी आ रही है, गोवा स्टेट के लिए वैकेंसी आ रही है, तो यहाँ पे देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसी है, मेटेरियल मैनेजमेंट के लिए 2 वैकेंसी है, गोवा में 4 वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी आ रही है, ONGC यूनिट गुजरात के लिए वैकेंसी आ रही है, सिविल के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के लिए 12 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 18 वैकेंसी है, और मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट बॉयलर के लिए 13 वैकेंसी है, प्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पे 28 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी है, ट्रांसपोर्ट के लिए 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 5 वैकेंसी है, और यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल मिलाकर के 5 वैकेंसी है, और जियोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी है, मेटेरियल मैनेजमेंट के लिए 5 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए 10 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन डीजल के लिए 8 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए
यहाँ पे 19 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए 35 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन सीमेंटिंग के लिए 10 वैकेंसी है, मशीनिंग के लिए 2 वैकेंसी है, प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए 24 वैकेंसी है, अकाउंट्स के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, और मेटल मैनेजमेंट के लिए 6 वैकेंसी है, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 37 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 4 वैकेंसी है, जूनियर फायरमैन के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल में आकर के यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 318 वैकेंसी है। अगली वैकेंसी राजस्थान जोधपुर यूनिट के लिए आ रही है, तो यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन डीजल के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर फायरमैन के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 6 वैकेंसी है। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी यूनिट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, सिविल के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, सीमेंटिंग के लिए 3 वैकेंसी है, फायर सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसी है, सर्वेइंग के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है, अकाउंट्स के लिए 2 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल मिलाकर के वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल में आकर के ऑल ओवर 38 वैकेंसी रखी गई है। असम यूनिट के लिए वैकेंसी रखी गई है, जिसमें देखिए सिविल के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए भी वैकेंसी है ना, इस हिसाब से काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग ब्रांच और ट्रेड के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखी है। काफ़ी सारी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपकी 222 है। अगरतला और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के वैकेंसी अपन देखें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 66 वैकेंसी रखी गई है। अगली जो वैकेंसी आ रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ वैकेंसी आ रही है, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 1-1, 2-2, 5-5 ऐसे करके वैकेंसी रखी गई है। टोटल यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए 10 वैकेंसी रखी है। अगली वैकेंसी बोकारो झारखंड के लिए, तो बोकारो झारखंड के लिए टोटल वैकेंसी की अपन बात करते हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 23 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जैसे कि आपका पे स्केल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, एक चीज़ ध्यान रखना, आप चाहे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हो, 40,000 से ज्यादा ही सैलरी रहेगी, क्योंकि यहां पे आपकी कम से कम 24,000 बेसिक रहने वाली है। उसके बाद में आपको 35% आपको यहां पे डीए मिलने वाला है, उसके बाद में आपको अलग अलग अलाउंस है, हाउस रेंट वगैरह है, मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह है, बहुत सारे अलाउंस आपको यहां पे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जितनी भी वैकेंसी है, 3 साल का डिप्लोमा यहां पे मांगा गया संबंधित ब्रांच के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसके अंदर एमएससी फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले भी आवेदन कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को एक चीज़ ध्यान देनी है कि मैं आपको बताऊं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 3 साल का डिप्लोमा के साथ साथ में आपके पास में इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर का आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। जूनियर ड्रिलिंग असिस्टेंट है, इसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा ऑटो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वैलिड हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट सर्वेइंग है, तो इसमें आपके पास में सर्वेइंग का ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। उसके बाद टेक्नीशियन वाले जितनी भी वैकेंसी है, केवल और केवल इलेक्ट्रिकल को छोड़ करके, अगर आपने 10th कर रखी है और ITI का आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। टेक्नीशियन के अंदर जो वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिशियन वाली है, उसके अंदर यहाँ पे सुपरवाइजर का लाइसेंस यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का यहाँ पे मांगा गया। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग है, तो अगर आपने ITI कर रखी है वेल्डिंग के अंदर, वेल्डर में, तो आप आवेदन कर पाओगे। तो इस हिसाब से मेरे कहने का मतलब है कि जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ITI वाली, उसमें ITI वाले फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे, डिप्लोमा वाले भी फ्रेशर्स आवेदन कर पाएंगे, केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच और ट्रेड को छोड़ करके। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री है, उसके अंदर BSc केमिस्ट्री वाले आवेदन कर पाएंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी है, BSc जियोलॉजी वाले आवेदन कर पाएंगे। बाकी कुछ ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है, वो भी आप इस नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लेना। नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, उनको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 7 मई थी, 28 मई तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। एक आदमी मैक्सिमम 3 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। फोटो आपके कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 100 KB से साइज उसका ज़्यादा होना नहीं चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड का आपका फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर है वो भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 300 रुपये रखी गई है,
ठीक है। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एक आपका यहाँ पे सीबीटी होने वाला है, सीबीटी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सभी स्टेट के लिए रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में थोड़ी सी पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो जनरल मेंटल एबिलिटी है और एप्टीट्यूड है, ये आपके इनका वेटेज आपका 20% का रहेगा। बाकी आपका टेक्निकल का आपकी ट्रेड और ब्रांच से संबंधित 80% पर्सन पूछे जाएंगे, तो ये आपका 20 और 80 का रेशियो रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अप्लाई करने की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप जरूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर हर संडे को बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करके रखी है, तो बेनिफिट जरूर उठाना। थैंक यू, जय हिंद।